जाते वक्त तक पहुंच जाते अगर रोमन सोने का शोरूम साथ लेकर नहीं आता। हम अंदर अटक गए, ये एक जाल है, एक बॉम्ब है। तो आज हम क्या उड़ाने वाले हैं? क्या? हेलो दोस्तों, फास्ट एक्स यानी फास्ट एंड फ्यूरियस के 10th पार्ट को रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, वही सीरीज जिसको 22 साल होने वाले हैं, एक मोस्ट लवेबल मोस्ट व्यूएबल मूवी सीरीज जिसने अपने फर्स्ट पार्ट से लेकर आज 10th पार्ट तक सेम रिदम पकड़ रखी है। जी हाँ दोस्तों, मास मसाला से भरपूर फास्ट एंड फ्यूरियस के ये सीरीज जबरदस्त एक्शन ड्रामा और लिटिल बिट फैमिली इंपॉर्टेंस के लेसन से भरपूर है। तो आज जानेंगे कि मूवी कैसी है, विन डीजल उर्फ डोमिनिक टोरेटो और एक्वामैन उर्फ जेसन ममोआ की आमने सामने टक्कर कितना पसंद आ रही है लोगों को, स्टार कास्ट में कोई बदलाव आया है अपने बाकी पार्ट्स की तरह, फास्ट एक्स मूवी भी दमदार है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के डाई हार्ट फैन हैं तब, और इसके 10 पार्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मोस्ट मच अवेटेड मूवी फास्ट एक्स यानी फास्ट एंड फ्यूरियस के 10th पार्ट को रिलीज कर दिया गया है और क्या धमाकेदार ग्रोथ दिखा रही है, अपने ओपनिंग डे से ही कमाल है। दोस्तों एक्शन मसाला की अगर वाकई में मिसाल दी जाए मूवी इंडस्ट्री में तो कोई दो राय नहीं है इस मूवी सीरीज का नाम लेने में। जी हाँ दोस्तों, पिछले 22 साल से जब इसका पहला पार्ट आया था 2001 में, तब से इस मूवी ने पब्लिक में अलग लेवल का क्रेज पैदा कर दिया है। इससे पहले ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी जिसमें आपको एक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा, मसाले की कोई कमी नहीं मिलेगी, एंटरटेनमेंट से भरपूर लबालब ये फिल्म सीरीज जिसमें सबसे यूनिक और मोस्ट लवेबल पार्ट कार सीक्वेंस है। जी हाँ दोस्तों, रेस कॉम्पिटिशन बैट और हर पार्ट में एक से बढ़कर एक कार की कलाबाजी, हैट्स ऑफ है, लोग पागल हो जाते हैं इस लेजेंडरी मूवी सीरीज को देखकर। जी हाँ दोस्तों, फास्ट एक्स में भी आपको इन सब चीजों की कतई कमी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इस बार तो विलेन के रूप में आपको जेसन ममोआ उर्फ एक्वामैन देखने को मिलेंगे, जो पूरी मूवी में एक अलग लेवल का साइकोपैथ विलेन का जबरदस्त रोल निभाया है और विन डीजल उसकी टीम की मजे मजे में ऐसी धज्जियां उड़ाता है, कमाल है। इस बंदे की एक्टिंग तो दमदार है ही, लेकिन इतनी दमदार निकलेगी लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस डोमिनेंट था, सेम वैसे ही जेसन ममोआ का कैरेक्टर दिखाया गया है। इस अकेले बंदे ने ले ली कसम से, फाड़ के रख दी डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम की। और मजेदार बात तो यह है कि मूवी का भी अभी भी द एंड नहीं हुआ है, अभी भी कहानी ऐसे मोड़ पर छोड़ दी है जहां से 2-3 पार्ट और भी बन सकते हैं। देखो, मसाला और एक्शन से भरपूर फिल्मों में स्टोरी का कोई लॉजिक नहीं होता है, तो स्टोरी ढूंढने जाओगे विथ लॉजिक और प्योर कंटेंट तो निराशा ही हाथ लगेगी। बाकी इस बार जो कार सीक्वेंस दिखाया है आपके होश उड़ जाएंगे, यहां रिवील नहीं करूंगा आपके क्लाइमैक्स और एक्शन सीन, आप खुद थिएटर में जाके देखना, मजा आ जाएगा। ऐसा होता है ना कि जब बुर्ज खलीफा से कार चलाया था, उसके बाद मैग्नेटिक कार जो जेट से उड़ाकर ले जाते हैं, फिर एक पार्ट में पैरासूट से कार को लैंडिंग कराई थी, तो लोगों का कहना था कि अब क्या करेंगे भाई, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है मेकर्स ने। बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो यस अमेजिंग है, जेसन मोमा का लिंक 5th पार्ट से है दिखाया गया है। इस बार तो 40 सेरन का भी एक्शन सिक्वल दिखाया है बेटी के साथ, बाकी थीम वही है फैमिली वर्सेस विलेन, कास्ट सेम है, बस एक दो नए चेहरे बढ़ गए हैं। यस, इस बार आपको सीधा मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स से कैप्टन मार्वल देखने को मिलेगी। जी हाँ, ब्री लार्सन को कास्ट कराया गया है, साथ ही फास्ट एंड फ्यूरियस ड्रिफ्ट से एलन रिचर्डसन को कास्ट किया गया है, तो कास्ट भी अमेजिंग है। एज यूजुअल हर एक कैरेक्टर्स का रोल आपको जबरदस्त मसाला देखने को मिलेगा। दोस्तों आपने बाकी पार्ट्स की तरह मूवी बहुत अमेजिंग है, जाके जरूर मजा लो इस एक्शन मूवी का। महंगी महंगी कारों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल होते देखो, तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी मूवी देख ली है तो आपको मूवी कैसी लगी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। दूसरा, क्या अवतार द वे ऑफ वाटर की तरह फास्ट एक्स भी 10,000 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर पाएगी? फटाफट सब कमेंट बॉक्स से जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।